हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गॉड फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर एंड वी आर स्टडिंग अवर सोशल स्टडीज बुक ऑफ क्लास सेवेंथ इन दिस वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर स्टडिंग द सेकेंड लेसन ऑफ हिस्ट्री पार्ट ऑफ दिस बुक विच इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस लेसन में इंडिया में या भारतवर्ष में ये जो मध्यकाल का समय था जिसको हम स्टडी कर रहे हैं इस बुक में, यानी लगभग 700 से लेकर के और 1700 तक का जो समय था, ये 1500 तक का जो समय था, 800-1000 सालों का जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो उस समय में जो राजा थे इस अपने देश में, कौन कौन से राजा हुए और उनके साम्राज्य कहाँ तक फैले हुए थे, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग में इस लेसन में हमने भारतीय राजाओं के बारे में पढ़ा, राजपूतों के बारे में पढ़ा, राजपूतों के ही कुछ जो वंश थे, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है या पाल्स हैं, ये सब राजपूतों के ही वंश थे। तो इनके बीच में जो संघर्ष चलता था उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में इनको डिटेल से हमने स्टडी किया प्रतिहारों के बारे में, पाल्स के बारे में, राष्ट्रकूट्स के बारे में और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि वो कैसे हेड होते थे, मिलिट्री पावर के भी और एडमिनिस्ट्रेशन के भी वो हेड होते थे जो किंग्स होते थे। और किंग्स के लाइफस्टाइल के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे किंग्स जो होते थे वो ग्रांट करते थे, लैंड ग्रांट करते थे ब्राह्मण्स को, चीफ्स को, ट्राइबल जो चीफ्स होते थे उनको, और कैसे उनका रिकॉर्ड रखा जाता था। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता था, गांव की एक कमेटी होती थी, गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी प्रशासन है उसको मैनेज करने के लिए। उस जमाने में ट्रेड किस तरह से था, नॉर्थ और साउथ इंडिया में कैसा ट्रेड चलता था, और इसके अलावा इंडिया से बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज थे उनका कैसा ट्रेड चलता था। इसके बाद हम लोगों ने स्टडी की कि जो श्रेणियां बनी एक ही प्रकार के काम करने वालों की, जो श्रेणियां या गिल्ड्स यानी समाज बने वो किस तरह से बने, बाद में जो कि कास्ट में कन्वर्ट हो गए या सब कास्ट में कन्वर्ट हो गए। और यहां पर हमने एक्स्ट्रा बीट में 2 क्वेश्चंस भी किए कि क्या ये जो गिल्ड्स बने, जो ये समाज बने, जो ये श्रेणियां बनी, इनका कुछ बेनिफिट भी रहता था उसके मेंबर्स को। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अब बाहर के लोगों के बारे में, जो भारत में बाहर से जो आक्रमणकारी आए, जिनको इस देश की परंपराओं से, इस देश की जो अच्छी बातें थी उनसे कोई मतलब नहीं था, उनको केवल लूटपाट करनी थी इस देश में, और लूटने के उद्देश्य से वो अपने देश में आए और यहाँ से लूट करके बहुत सारा धन और संपदा लेकर के गए। और लूटने के साथ साथ उन्होंने भारतीय जो परंपरा और जो संस्कृति थी उस पर भी कुठाराघात करने का प्रयास किया। तो हम एक सबसे जो पहला लुटेरा था इस श्रेणी में वो था मोहम्मद ऑफ गजनी। ये मोहम्मद जो गजनी था इसका, ये भारत का पहला आक्रमणकारी इसको माना जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो गजनी इसके देश का नाम था एक्चुअल में, जो गजनी था, गजनी अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान कभी भारत का ही अंग भी रहा था पहले, अभी अलग देश है अफगानिस्तान। तो वहां पर एक जगह का नाम था गजनी नाम का। तो वहां का एक राजा था जिसका नाम था महमूद, महमूद ऑफ गजनी, जिसको महमूद गजनी कहते हैं। ये एक लुटेरा था, वहां का राजा था ये, और भारत पर लूटने के उद्देश्य से इसने आक्रमण किया। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सबसे पहला आक्रमणकारी था अपने, अगर अपन नॉर्थ ईस्ट की बात, नॉर्थ वेस्ट की बात करें, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आने वाला ये अरब लुटेरा जिसको हम कह सकते हैं, महमूद ऑफ गजनी। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे महमूद ऑफ गजनी के बारे में। अभी तक हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो केवल भारतीय राजाओं के बारे में कर रहे थे कि कौन कौन से वंश, कौन कौन से राजा भारत में हुए, कोई महान राजा भी हुए जिन्होंने देश और उसकी संस्कृति और सभ्यता के लिए भी बहुत योगदान दिया। लेकिन अब जो अपन पढ़ने वाले हैं ये लोग लुटेरे थे, ये एकदम केवल शुद्ध रूप से लूट करने के लिए भारत में आए थे, लूट करके वापस चले गए। तो इसी लुटेरे के बारे में हम पढ़ेंगे, महमूद ऑफ गजनी,
गजनी का महमूद, गजनी जगह का नाम है, वहां का महमूद था ये। द आर्मीज ऑफ महमूद मार्च्ड, यानी कि महमूद की जो आर्मीज थी यानी सेनाएं थी, मार्च्ड यानी उन्होंने प्रयाण किया या वहां से कूच किया, ऑल द वे यानी सब तरह से, फ्रॉम गजनी, गजनी से, गजनी की जो महमूद की जो आर्मी थी, महमूद ये जो लुटेरा था महमूद, इसकी जो आर्मी थी यानी इसकी जो सेना थी, उसने सब तरह से गजनी से प्रस्थान किया, कूच किया इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में उसने कूच किया थ्रू मुल्तान, मुल्तान से होते हुए, एंड रीच्ड द डिवाइन सिटी ऑफ सोमनाथ, और पहुंचा एक पवित्र नगर जो है सोमनाथ इन गुजरात, गुजरात में, यानी मुल्तान से होते हुए जो कि अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान के मुल्तान में से होता हुआ ये गजनी का जो महमूद है, जो कि आर्मी, इसकी जो आर्मी थी उसने वहां से कूच किया जो कि अफगानिस्तान के मुल्तान से होता हुआ, और एक पवित्र शहर जो अपना है गुजरात में है अभी, सोमनाथ, सोमनाथ का मंदिर है भगवान शंकर का, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर वो पहुंचा सोमनाथ में इन गुजरात में, इन द मिडिल ऑफ द कोल्ड डे इन दिसंबर, दिसंबर में जो सर्दियां होती है उस सर्दियों के ठंडे दिनों के बीच में ये वहां गुजरात के सोमनाथ में पहुंचा। 1025 CE यानी सन 1025 महमूद हु रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030, ये वहां गजनी का शासक था, यहां भारत में इसने शासन नहीं किया लंबा, यहां तो लूटने के लिए आया था, ये लूट के चला गया, लेकिन वहां पर इसने गजनी में जरूर शासन किया था, 997 टू 1030 तक ये शासक था, और 1025 में इसने आक्रमण किया था भारत में। वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर हिज मार्च, और ये अच्छी तरह तैयार था इसके कूच के लिए थ्रू द डेजर्ट यानी रेगिस्तान के द्वारा, रेगिस्तान में से, यानी रेगिस्तान में, रेगिस्तान के द्वारा आया था ये, रेगिस्तान में से होकर के ही आया था, विद प्रोविजंस यानी अपनी रसद के साथ, यानी अपनी रेगिस्तान में से होकर के एक लंबी यात्रा करते हुए भारत पर ये पहुंचा था सोमनाथ में, और ये अपनी मतलब इतने दिनों की यात्रा का जो अपना खाने पीने का सामान है जिसको अपन हिंदी में रसद कहते हैं, उर्दू में प्रोविजंस यानी अपनी रसद लेकर के आया था, लोडेड ऑन ऑलमोस्ट 30,000 कैमल्स, 30,000 ऊंटों पर लाद करके ये अपनी रसद लेके आया था। ये जो महमूद गजनी था, ये गजनी तो नहीं, गजनी का जो, हाँ महमूद गजनी कहते हैं इसको, गजनी का था ये महमूद, तो इसका नाम महमूद गजनी कहते हैं इसको, तो ये महमूद जो गजनी था ये 30,000 ऊंटों पर लाद करके अपना प्रोविनेंस यानी कि अपना रसद लेकर के वहां से आया था ये, यानी इतनी लंबी यात्रा, और डेजर्ट में से होता हुआ आया था रेगिस्तान, जो अपना थार का रेगिस्तान है, तो अपने जो गोगा जी हैं, जो गोगा, गोगा जी जिनकी अपन पूजा करते हैं, उसने, उन्होंने इनसे युद्ध लड़ा था, गोगा जी ने, उन्होंने रोका था इसको, तो उसमें बहुत वीरता से वो लड़े इसको महमूद गजनी से, लेकिन इसकी देखिए सेना देखिए इसकी, 30,000 ऊंट थे इसकी से, मतलब ये 30,000 ऊंट की ऊपर अपनी खाने पीने की चीजें लेकर के आया था, इतनी लंबी चौड़ी सेना लेकर आया था। द डेस्परेट पीपल, जो अब वहां पर इतनी बड़ी सेना लेकर के पहुंचा गजनी से गुजरात में सोमनाथ में, तो वहां पर लोग इतनी बड़ी मात्रा में कत्लेआम मचा दिया इसने, वहां पर हजारों लोगों को मार दिया इसने वहां पर, और वहां पर जो निराश लोग थे सोमनाथ के, द डेस्परेट पीपल यानी जो लोग वहां इस तरह के कत्लेआम से लोग डर गए थे, तो वो जो डेस्परेट पीपल थे, लोग जो निराश लोग थे ऑफ सोमनाथ, सोमनाथ के जो लोग थे, टुक शेल्टर, उन्होंने शरण ली इन द टेम्पल यानी मंदिर में, बड़ा मंदिर था शंकर भगवान का वहां पर, वहां पर उस टेम्पल, उस टेम्पल में, उस मंदिर में लोगों ने शरण ली, शेल्टर लिया। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ए लार्ज नंबर ऑफ देम, उनमें से कई लोग बड़ी संख्या में केम फॉरवर्ड यानी आगे आए टू फाइट यानी लड़ने के लिए।
तो सब लोग इकट्ठे हो गए उस मंदिर में, और फिर लोग कुछ समय समय पर, कुछ कुछ समय के बाद में, जब लोगों को पता ही था कि भाई अब न मरना तो अपने को है ही, तो अलग अलग टुकड़ियों में लोग निकलते रहे लड़ने के लिए बाहर विद द एनिमी, शत्रु के साथ में। एट लास्ट यानी अंत में ऑलमोस्ट 50,000 पीपल वर डेड, 50,000 लगभग लोग वहां पर मारे गए। यानी लोगों ने उससे प्रतिकार भी किया लेकिन इकट्ठे होकर के नहीं किया, वो अलग अलग टुकड़ियों में आते गए तो वो उनको मारता गया। तो इकट्ठा प्रतिकार नहीं किया इतने लोगों ने, वरना 50,000 लोग अगर एक साथ होकर के लड़ते ना तो शायद दृश्य कुछ और होता। लेकिन अलग अलग टीमों में, अलग अलग टुकड़ियों में वो लोग आते रहे और 50,000 लोग वहां पर मारे गए सोमनाथ में। अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट प्रोवाइडेड बाई द 30th century राइटर, 13वीं शताब्दी का एक राइटर हुआ था, एक लेखक थे, ए एल काजविनी जो है वो एक कोई राइटर है उस जमाने में, 13वीं शताब्दी के थे। उनका जो लिखा हुआ दस्तावेज है, जो उनके द्वारा लिखा हुआ अकाउंट यानी दस्तावेज है जो उपलब्ध करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक द टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड ज्वेल्स, जो सोने चांदी और ज्वेल्स यानी हीरे जवाहरात का जो टोटल अमाउंट था वो जो लूट के ले गया, वाज मोर देन 13,000 दिनार्स, यानी 13,000 दिनार से भी ज्यादा वो सोने चांदी और हीरे जवाहरात वहां से लूट करके लेके चला गया, वो जो महमूद गजनी था। महमूद रिटर्न्ड टू गजनी, महमूद जो था वो रिटर्न्ड यानी लौट गया टू गजनी यानी अपने गजनी देश में, गजनी जो उसकी राज्य था वहां पर, आफ्टर कलेक्टिंग ए जीनियस बूटी, एक बड़ी लूट करने के, बूटी का मतलब होता है लूट, लूटते हैं ना कोई किसी को तो बूटी कहते हैं उसको, जीनरस यानी उदार यानी बड़ी, ये एक बड़ी सारी लूट करने के बाद में, कलेक्ट यानी इकट्ठी करने के बाद में महमूद जो था वो रिटर्न्ड हो गया, वापस लौट गया गजनी, यानी वो लूटने के लिए आया था, उसका उद्देश्य लूट करना था यहाँ भारत में। ही बिकेम द रूलर ऑफ गजनी इन 998 CE, वो बना शासक या राजा गजनी का इन 999 CE यानी सन में, एंड ही हैड द डिजायर, और वो उसकी एक डिजायर थी, उसकी जो इच्छा थी टू बिल्ड ए वेस्ट एम्पायर, एक बड़ा साम्राज्य बनाने की उसकी इच्छा थी, डिजायर थी, इन सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य, एक वेस्ट एम्पायर खड़ा करने की उसकी इच्छा थी। ही आल्सो विश्ड, उसकी ये भी इच्छा थी टू मेक गजनी को बनाने की द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिटी ऑफ द एरिया, इस एरिया का यानी इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा मोस्ट यानी सबसे ज्यादा मैग्निफिसेंट यानी महत्वपूर्ण सिटी बनाने का, गजनी को, उसका जो गजनी शहर था उसको पूरे एरिया का मोस्ट सिग्निफिकेंट सिटी बनाने का भी उसकी विश्ड यानी उसकी इच्छा थी। द इमेंस वेल्थ, अकूत दौलत ऑफ इंडिया यानी भारत की, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, पूरी दुनिया के लोग यहाँ व्यापार करने आते थे, तो इसलिए ये जो भारत के पास इमेंस वेल्थ थी यानी अकूत दौलत थी ऑफ इंडिया यानी भारत की, इंक्रीज्ड हिज ग्रीड, उसका जो लालच था, ग्रीड यानी उसका जो लालच था उसको इंक्रीज कर दिया भारत की दौलत ने, यानी भारत की दौलत के बारे में जब वो सुनता था तो वो बड़ा लालच में आ गया वो, कि मैं उस दौलत को प्राप्त कर लूं भारत से लूट करके, तो उसकी ग्रीड को उस दौलत ने बढ़ा दिया। एज ए रिजल्ट और परिणाम स्वरूप ऑफ दिस, इसके परिणाम स्वरूप, ही इन्वेडेड यानी उसने हमला किया, आक्रमण किया, सेवरल प्लेसेज, कई स्थानों पर, इंक्लूडिंग पंजाब, जिसमें पंजाब भी शामिल है, मुल्तान शामिल है, पेशावर शामिल है जो अभी पाकिस्तान में है, कन्नौज अपने भारत में है, मथुरा पे आक्रमण किया, सोमनाथ पे आक्रमण किया, एंड थानेश्वर, और थानेश्वर पे भी, इन सब जगह पर उसने आक्रमण किया, किसके लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, लूटने के लिए, बिटवीन 1000 CE एंड 1025 CE यानी सन 1000 से 1025 के बीच में, यानी इन 25 सालों में उसने कई स्थानों पर आक्रमण किया और वहां पर लूटपाट की।
महमूद्स इन्वेंशंस यानी महमूद के आक्रमण अपॉन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत के ऊपर, डीवेस्टेड यानी इसने छोटा कर दिया, एंड वीकेंड यानी कमजोर कर दिया द रीजन यानी क्षेत्र को। ये जो क्षेत्र था अपना, जिसको हम उत्तरी भारत कह सकते हैं, नॉर्दर्न इंडिया कह सकते हैं, महमूद के जो इन्वेंशन थे यानी उसके जो आक्रमण थे, हमले थे, उन्होंने उत्तरी भारत को डीवेस्टेड यानी छोटा कर दिया, एरिया छोटा हो गया, और वीकेंड यानी कमजोर हो गया उत्तरी भारत। आल्दो यानी हालांकि, ही एनेक्स्ड, उसने कब्जा कर लिया पाकिस्तान, हालांकि उसने कब्जा केवल पंजाब के ऊपर ही किया, बाकी जगहों पर तो उसने लूटपाट की, बूटी बूटी यानी कि लूट किया, बाकी जगह तो उसने लूटपाट की। हालांकि आल्दो यानी हालांकि, ही एनेक्स्ड यानी उसने कब्जा किया पंजाब ओनली, यानी केवल कब्जा तो केवल पंजाब पे किया उसने, यट लेकिन हिज दिस पैव्ड, इसने पक्का कर दिया यानी पंजाब पर जो उसने कब्जा किया, इस चीज ने पैव्ड यानी पक्का कर दिया हिज वे, उसके रास्ते को, फॉर फ्यूचर इन्वेंशंस, भविष्य के हमलों के लिए। यानी कब्जा उसने पंजाब पे करके बैठ गया वो, और आगे फिर बार बार हमले करता रहा वो, और भविष्य के हमलों के लिए उसका रास्ता पक्का कर लिया उसने पंजाब पे कब्जा करके। ही कैरीड अवे, वह ले गया मैसिव अमाउंट ऑफ वेल्थ, बड़ी तादाद में दौलत, अलोंग विद मैनी प्रिजनर्स, और इसके साथ में वो बहुत सारे प्रिजनर्स यानी बंदी बना करके भी ले गया लोगों को भारत से, वो बहुत सारे लोगों को प्रिजनर्स यानी बंदी बना करके, दौलत तो लेके गया ही गया वो, उसने कई सारे प्रिजनर्स यानी बंदी भी बना लिया लोगों को। और कैसे लोगों को ले गया, विच इंक्लूडेड लर्न्ड इंटेलेक्चुअल्स, जिसमें उन बंदियों में कौन शामिल थे, उसमें लर्न्ड यानी बहुत जो विद्वान इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिमान लोग थे, उनको वो ले गया अपने साथ में पकड़ के, एंड स्किल्ड आर्टिशंस, और जो कुशल कारीगर थे, ऐसे कारीगरों को ले गया वो बंदी बना करके अपने साथ में। ही अडॉर्न्ड गजनी, उसने गजनी को सजाया विद लग्जरियस पैलेसेज, शानदार महलों से, यानी वहां पर फिर वो दौलत लूट के ले गया यहां से, और अपने शहर में पहुंचा वहां पर गजनी में, और फिर वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े शानदार महल बनवाए, कॉलेज बनवाए, मस्जिदें बनवाई। तो ये एक लुटेरा था महमूद गजनी। यहां पर दिया हुआ एक बॉक्स जिसमें लिखा हुआ है ऑन योर ओवन, आप अपने आप करें। व्हेन महमूद वाज अबाउट टू डाई, जब महमूद मरने वाला था, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, ऑल ऑफ हिज रिचेज, उसकी जितनी भी दौलत थी, टू बी प्लेस्ड, उसको रखने के लिए, बिफोर हिम, उसके सामने। जब वो मरने वाला था तो उसने कहा कि मेरी सारी दौलत मेरे सामने लाके रखो। ही ग्रीव्ड ऑन देम, वो उसने उस पर बड़ा वो ग्रीव्ड यानी अफसोस किया उसने, उस दौलत को देखा उसने मरते टाइम, और ही ग्रीव्ड ऑन हिम देम, उसने वो बड़ा दुखी हुआ ये दौलत देख करके, भाई ये दौलत अब मेरे कोई काम की नहीं है। बट रिफ्यूज्ड, लेकिन मना कर दिया उसने टू गिव एनी, कुछ भी देने से, टू चैरिटी यानी दान में, लेकिन दान में कुछ भी देने से उसने मना कर दिया। महमूद डाइड, महमूद मर गया ऑन 30th April 1030, 30 अप्रैल 1030 को वो मर गया। हिज एम्पायर देन फेल अपार्ट, और उसका जो साम्राज्य था वो फेल हो गया यानी गिर गया, अपार्ट यानी बिल्कुल भी, उसका साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त हो गया उसके मरते ही। तो वो हम पढ़ रहे थे कि उसने अपने गजनी शहर में कई मस्जिदें और टॉम्स यानी मीनारें ऐसी बनवाई उसने। अल बरूनी एंड फिरदौसी वर टू ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट स्कॉलर्स, ये दो स्कॉलर्स यानी होता है विद्वान, तो ये दो बड़े विद्वान लोग थे उसके दरबार में, एक का नाम था अल बरूनी और दूसरा था फिरदौसी। वर टू ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट स्कॉलर्स, ये बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे, हु लिव्ड इन हिज कोर्ट, जो रहते थे उसके दरबार में। इन हिज बुक तहकीक ए हिंद, अपनी उसकी बुक है लिखी हुई तहकीक ए हिंद, अल बरूनी ने लिखी है वो,
अल बरूनी प्रोवाइडेड ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंडियन पीपल। इसमें उसने भारतीय जो लोग थे, इंडियन पीपल थे, उनके बारे में डिटेल से लिखा है, तहकीक ए हिंद नाम की किताब में अल बरूनी ने। देयर बिलीव्स, उन भारतीय लोगों के विश्वास के बारे में, एंड देयर आइडियाज, और उनके विचारों के बारे में। शाहनामा एक किताब और है। देखो ये सब चीजें प्रश्नों में आएगी बाद में कि तहकीक ए हिंद किसने लिखी, अल बरूनी ने लिखी। शाहनामा था, शाहनामा नाम की भी किताब लिखी एक, वो किसने लिखी? ये द बायोग्राफी ऑफ महमूद। बायोग्राफी क्या होती है, यानी किसी के जीवन के बारे में सही सही जब लिखा जाता है, यानी ओरिजिनल जीवन वृत्तांत लिखा जाता है, उसको बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी तो आदमी खुद अपनी लिखता है, और जब किसी दूसरे के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति उसके जीवन के बारे में लिखता है तो वो बायोग्राफी कहलाती है। तो शाहनामा नाम की किताब है जो कि बायोग्राफी है महमूद की, यानी महमूद का जीवन चरित्र है इस किताब में, शाहनामा में। वाज रिटन बाय फिरदोसी, और फिरदोसी के द्वारा ये शाहनामा किताब लिखी हुई है, और अल बरूनी ने लिखी थी तहकीक ए हिंद। द सक्सेसर ऑफ महमूद, जो महमूद के जो आगे के सक्सेसर थे, यानी उसके उत्तराधिकारी थे, यानी जब कोई राजा मर जाता है या उसको हटा करके कोई दूसरा बैठ जाता है तख्त पर, तो उसको सक्सेसर कहते हैं, उत्तराधिकारी। द सक्सेसर ऑफ महमूद, महमूद के जो सक्सेसर थे यानी उसके जो उत्तराधिकारी थे उसके मरने के बाद, डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन इंडिया, भारत में उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद में। ड्यूरिंग द 11th एंड 12th सेंचुरी, 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान, द राजपूत क्लैंस, जो राजपूत वंश थे, रिमेंड इन्वॉल्व्ड, वो रहते थे इन्वॉल्व्ड यानी शामिल, इन फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से फाइटिंग में वो बिजी रहते थे, राजपूत जो वंश थे वो फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से फाइटिंग करने में इन्वॉल्व रहते थे 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में। और हम पढ़ भी चुके हैं जो राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार थे, जो पाल थे, ये तीन बड़े क्लैन थे राजपूतों के, ये आपस में झगड़ते रहते थे। वेरियस मुस्लिम ट्रेडर्स, उसी दौरान जब वो आपस में झगड़ते रहते थे ये राजपूत वंश 11वीं 12वीं शताब्दी में, यानी एक सन 1000 में तो वो खत्म हो गया महमूद गजनी, और गजनी के मरने के बाद में 11वीं और 12वीं शताब्दी में, मतलब वो 10वीं शताब्दी में वो मर गया, फिर उसके मरने के बाद 11वीं 12वीं शताब्दी में ये राजपूत जो वंश थे वो तो आपस में फाइटिंग में व्यस्त रहते थे। और उसी समय वेरियस मुस्लिम ट्रेडर्स, कई सारे जो मुसलमान व्यापारी एंड सूफी और जो संत होते थे, रिलीजियस सेंट्स यानी धार्मिक संत इस्लाम के, वो ये और व्यापारी केम यानी आए, एंड सेटल्ड डाउन इन इंडिया, और भारत में सेटल हो गए, यहीं रहने लग गए, यानी उधर से मुस्लिम जो संत थे वो आए, कुछ व्यापारी आए मुस्लिम, और वो भारत में रहने लग गए। नाउ यानी अब इंटरेक्शन बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में इंटरेक्शन, यानी इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे पे प्रभाव डालना, हैड स्टार्टेड यानी शुरू हो चुका था, डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से, बट इन ए स्मॉल मैनर यानी लेकिन एक छोटे रूप में, यानी 11वीं 12वीं शताब्दी में बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे यानी व्यापारी थे, और कुछ मुस्लिम जो सूफी सेंट थे, रिलीजियस सेंट यानी धार्मिक जो संत थे, वो भारत में आके रहने लगे, और उनका कुछ प्रभाव यहाँ पर पड़ा, यहाँ के लोगों का भी उन पर पड़ा, लेकिन उनका प्रभाव यहाँ पर पड़ा, कुछ चीजें शुरू हो गई। ये हमने लेसन 1 में भी पढ़ा था ये सब बातें, कि किस तरह का प्रभाव उनका पड़ा, खाने पीने की चीजों को लेकर, कपड़ों को लेकर, सब प्रकार का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ा। तो यहाँ पर अब हम पढ़ चुके हैं ये कुछ जितना अपने पास टाइम था उतना, और अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? महमूद गजनी के बारे में। अभी तक जो अपन ने स्टडी की है आज, वो महमूद गजनी के बारे में की है। गजनी से आया था वो, उसका नाम था महमूद, और वो एक लुटेरा था जो लूटने के लिए आया था। उसने कई जगहों पर हमले किए, मथुरा पर, सोमनाथ पर, और कन्नौज पर, पंजाब पे उसने अधिकार किया केवल, और कई बार हमले किए उसने, और बहुत सारी दौलत यहाँ से इकट्ठी करके ले गया वो, हजारों लोगों को मार डाला उसने, 50,000 तो केवल सोमनाथ में ही कत्ल कर दिया उसने। तो ये था महमूद गजनी,
और अब जो दूसरा आतंकी या हमलावर का स्टडी अपन करेंगे वो था महमूद मुहम्मद ऑफ गोरी। गोरी एक स्थान था, गोरी का महमूद, तो वो तो गजनी का महमूद था, ये गोरी का मुहम्मद है, गोरी जगह से आया था, ये गोरी का मुहम्मद, वो महमूद था, ये मुहम्मद है। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसलिए बता रहा हूं। वो महमूद गजनी था, ये मुहम्मद गोरी है, तो महमूद और मुहम्मद में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखें। तो वो पहला आक्रमणकारी था जो एक सन 1000 में, लगभग 1000 में वो उसने आक्रमण किया था। तो अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे मुहम्मद गजनी गोरी के बारे में, जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध किया था, तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन के दो युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, महमूद गोरी के बारे में, मुहम्मद गोरी के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड ट्राई टू लर्न द थिंग्स, चीजों को समझते जाएं और चीजों को याद रखने की कोशिश करें और चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश करें अपने माइंड में कि किस राजा के बारे में क्या क्या बातें हमें याद रखनी चाहिए। कई राजाओं के बारे में हम पढ़ा है हमने इस लेसन में, राजा भोज के बारे में भी पढ़ा है, कई वंशों के बारे में पढ़ा है, उन्होंने क्या क्या किया। अब हम लुटेरों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कई सारे राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, पढ़ा भी है, पढ़ेंगे भी, तो उनको उनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको लर्न करने की कोशिश करें, याद रखने की कोशिश करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।